क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान इज ₹2.1 पर पाउंड. फाइंड द रेट पर किलोग्राम. 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम एंड व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया इन रियाल 22.40. सबसे पहले हमें यह गिवन क्या है. रेट ऑफ टी पर इन पाकिस्तान 2.1 पर पाउंड. तो 1 पाउंड टी किसके बराबर आ जाएगी. रेट ऑफ 1 पाउंड टी. सबसे पहली चीज जो हमें क्या गिवन है वो है रेट ऑफ 1 पाउंड टी. हमें गिवन है रेट रेट ऑफ 1 पाउंड. रेट ऑफ 1 पाउंड टी. 1 पाउंड चाय का कीजिए. हमें रेट गिवन है जो कि क्या है हमारे पास आर एस 2.1 और रुपीस में 2.1. अच्छा फिर साथ हमें कंडीशन 1 की हमें फाइंड भी करना है पर किलोग्राम. ये क्या है 1 पाउंड है तो हमने 1 किलोग्राम का रेट फाइंड करना है. पर किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम का और 1 पाउंड हमें कंडीशन 1 क्या गिवन है. 1 पाउंड किसके बराबर है. 1 पाउंड है 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536. तो 1 पाउंड की जगह पे लिख सकते हैं 0.4536 किलोग्राम. 0.4536 किलोग्राम. तो क्या लिखूंगा मैं रेट जो 1 पाउंड चाय का कीमत है वही रेट कीमत किसकी है. इसकी एक ही दोनों का रेट है. तो रेट ऑफ 0.4536 किलोग्राम किसके बराबर है. आर एस 2.1 आर एस 2.1 के. रेट ऑफ 0.4536 किलोग्राम आर एस 2.1 के बराबर है. तो 1 किलोग्राम किसके बराबर आ जाएगा. रेट ऑफ 1 किलोग्राम टी. इधर साथ रेट ऑफ 1 किलोग्राम टी क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे. आर एस में कितना फाइंड करना है 2.1 डिवाइडेड बाय 0.4536. ये हमारे पास आ जाएगा आर एस. कैलकुलेटर से मैं करता हूँ 2.1 डिवाइडेड बाय 0.4536 ये आ जाएगा हमारे पास 4.629. ये किसका रेट आ गया. रेट ऑफ 1 किलोग्राम टी आ गया हमारे पास. सेकंड हमने फाइंड करनी है व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरेबिया का रेट हमने फाइंड करना है. व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया जो के सर वक्त. तो हम लिखेंगे रेट 1 आपके लिए हमने 1 पूरा कर दिया आगे 2 स्टार्ट हो गए. तो लिखेंगे 1 रियाल 1 सऊदी रियाल 1 सऊदी एस ए यू डी आई सऊदी रियाल. 1 सऊदी रियाल किसके बराबर है. 1 सऊदी रियाल 1 सऊदी रियाल किसके साथ गिवन है 20 आर एस उसके साथ आई गिवन है 22 पॉइंट. उसका रेट वो क्या है 22.400 ₹22 अशारिया है कुछ. तो क्या हो गया 1 सऊदी रियाल का आ गया. हमने फाइंड करनी है व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया. तो आर एस इसको हम कर देंगे इसके साथ सिंपल डिवाइड. तो क्या करेंगे रेट इन सऊदी अरेबिया क्या आ जाएगा. रेट इन सऊदी रियाल. सऊदी रियाल में रेट निकालने के लिए क्या करेंगे इसको कितने 4 पर डिवाइड कर लेंगे. इस पर 4.6296 डिवाइड बाय 22.400 ये हमारे पास आ जाएगा. आर एस 2.0.2066 ये और ये हमारे दो जवाब आ गए. लेकिन किताब के पीछे ये जवाब नहीं है. किताब के पीछे ये जवाब नहीं है. किताब के पीछे इसकी जगह पर लिखा है 42.42 और अगर मैं इसका जवाब निकाले सऊदी रियाल 1.8 समथिंग तो किस तरह आएंगे. अगर हम यूज़ करें आर एस किसके बराबर है 19.08 ये इसकी कीमत है. ये इसको 19.089 ले लें
कितने आर एस है? 19.089। अगर हम ये लेकर चलें तो तब जो हमारा जवाब आएगा वो करेक्ट आएगा। तो रेट ऑफ फन बाउंड ये इज एज इट इज, वो क्वेश्चन में था, हमें गिवन था 2.1, 19.089 आ रहा है। इसका हम डिवाइड करेंगे फिर 19.089, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह पर आएगा 19.089 डिवाइडेड बाय 0.4536। ये बन जाएगा हमारे पास 19.089 ये बन जाएगा 42.08। और यहाँ पे आगे चल जाएगा, रियाल ही चलेंगे 42, इधर क्या आ जाएगा ऊपर 42.08। तो इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 42.08 डिवाइडेड बाय 22.400, ये बन जाएगा हमारे पास 1.8785। अगर आपने ये जवाब निकालना है तो इसको जैसे आर एस एस चेंज कर दे, किसे 2.16 में चले 19.089। और अगर आपने वही क्वेश्चन की, अगर क्वेश्चन वो आ गया हमारे पास किताब में, पेपर में हमारा सवाल आया जिसमें 2.1 लिखा हुआ है, जो पहले मैंने मेथड किया था 2.1 यहाँ पे रख के, इधर भी 2.1 डिवाइड करेंगे, इधर भी 2.1, इसकी जो 2.1 के लिहाज से रकमें आएंगी वो लिखेंगे। एज इट इज इसको आप चेंज करते जाएँ तो आपका जवाब सही आ जाता है, अगर जिस लिहाज से सवाल में गिवन होगा हम उस लिहाज से हल करेंगे।